नमस्कार फ्रेंड्स, संडे कुक शो में आपका स्वागत है। ट्रेडिशनल और इनोवेटिव रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार के फेमस और जायकेदार लिट्टी चोखा लेकर आई हूँ। आइए देख लेते हैं जो जो इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। सत्तू लिया है हमने यहाँ पर 150 ग्राम्स, वीट फ्लावर यानी आटा 500 ग्राम्स, चॉप्ड अनियन 100 ग्राम्स, चॉप्ड गार्लिक 30 ग्राम्स, चॉप्ड जिंजर 30 ग्राम्स, चॉप्ड ग्रीन चिलीज 10 ग्राम्स, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स 20 ग्राम्स, अचार का मसाला 1 टेबल स्पून, क्रश्ड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, लेमन जूस 15 ml, मस्टर्ड ऑयल 30 ml, मोम के लिए ऑयल 50 ml, मिल्क 300 ml, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, घी 100 ml, चारकोल सेकने के लिए। आइए सबसे पहले अब स्टफिंग की तैयारी करते हैं। एक बॉल में सत्तू ले लेते हैं। अब इसमें चॉप किया हुआ अनियन डालेंगे, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर डालेंगे, चॉप्ड ग्रीन चिलीज डालेंगे, अजवाइन इसे हाथों पे लेकर अच्छे से क्रश करके डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। कलौंजी और क्रश ब्लैक पेपर को डाल देंगे। अब अचार का मसाला डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियों को डालेंगे, अब मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे और सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले तो। और सत्तू में नमी देने के लिए हम 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये लिट्टी में जब भरे तो बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए। अब आइए आटा मलने की तैयारी कर लेते हैं। एक बॉल में आटा डालकर उसमें अजवाइन डालेंगे, थोड़ी से नमक डालेंगे, अब मोम के लिए ऑयल डाल देंगे। अब इन्हें डालकर अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुकी है। अब आइए आटा को मलते हैं। इसमें दूध डालकर आटा को मलेंगे। हमने यहाँ पे दूध के साथ आटा को मला है। आप चाहे तो पानी के साथ भी आटा लगा सकते हैं। दूध के साथ आटा लगाई हूँ इसलिए ताकि जो लिट्टी बनती है वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अब इस तरह से आटा का डो हमने मलकर तैयार कर लिया है। अब आइए लिट्टी बनाने की तैयारी करते हैं। एक गोल सा रोटी के आकार का बॉल बना लेंगे और इसे फिंगर की सहायता से कटोरी नुमा शेप देंगे और इसमें सत्तू के स्टफिंग को 1 चम्मच डालेंगे और फिंगर से उसे दबा लेंगे। अब अंगूठे के किनारे से उसे साइड से मोड़ लेंगे और बिल्कुल ही राउंड शेप देकर देखिए इस तरह से लिट्टी का शेप देंगे और रखेंगे। आइए दूसरा बनाकर दिखाती हूँ आपको।
रखी हूँ और उसमें गरम गरम घी ऊपर से डाल रही हूँ। आप लिट्टी को चाहो तो घी के अंदर डुबो करके भी रख सकते हो। ये गर्मा गर्म खाने में जितने जायकेदार लगती है, ये बासी लिट्टी भी उतनी ही खाने में जायकेदार होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से लिट्टी और चोखे का मज़ा उठाइए। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बाकी रेसिपी की जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।